ये पातालकोट है, भारिया और गौंड जनजाति आदिवासियों की भूमि। सैकड़ों कहानियों और किंवदंतियों को समेटे ये क्षेत्र रहस्य से भरा पड़ा है। छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में स्थित है। भोपाल से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। यहाँ इस स्टोरी में आप एकदम अलग विषय को देखेंगे। पातालकोट, जैसा कि नाम ही अपनी कहानी को कह रहा है, तो चलिए अनबाउंड इंडिया आपको मिलवाता है पवन श्रीवास्तव से। पातालकोट की संस्कृति और परंपरा को खाने के जरिए देखा और समझा जाए। पवन श्रीवास्तव, पातालकोट की रसोई, जिसमें विशुद्ध पारंपरिक भोजन के द्वारा यहाँ की संस्कृति और इतिहास के दर्शन करा रहे हैं। सर, ये पातालकोट है। पातालकोट मतलब एक गहराई की दुनिया, जो सामान्य सतही जगह पे, सतही धरती में से नीचे की ओर है। तो ये पूरा जो हम दृश्य देख रहे हैं यहाँ पे, ये गहराई नुमा जगह होने के वजह से पातालकोट है। ये जगह जो है वो ऐसी है कि यहाँ पे अमूमन शाम जल्दी होती है, बहुत जल्दी यहाँ पे अंधेरा आ जाता है। दिन भी यहाँ पे देर से शुरू होता है। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि ये ज़मीन से नीचे स्थान होने के कारण हमेशा ज़्यादातर छाए से ढका रहता है। इस जगह का आकर्षण लोगों में रहा है, वहाँ जाके देखना चाहते थे लोग कि उस प्रकार इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी लोग कैसे रहते होंगे और यहाँ की दुनिया क्या है। पातालकोट की अगर हम बात करें तो जो पातालकोट जहाँ पर स्थित है, ये पूरा का पूरा जो विस्तृत क्षेत्र है मध्य भारत का, ये गोंडवाना स्टेट का पार्ट रहा है। तो यहाँ पे जो मूल जनजाति इस क्षेत्र में ज़्यादातर निवास करती है, गोंड है। लेकिन पातालकोट की अगर हम बात करें तो पातालकोट के जो गांव हैं जितने सारे, उन गांव के अंदर रहने वाली जो जनजातियाँ हैं वो भारिया हैं। तो ये जो पातालकोट क्षेत्र है, यहाँ दोनों प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं। भारिया जो विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है, और गोंड, ये दोनों जनजातियों से के लोग इस पातालकोट क्षेत्र में रहते हैं। बात अगर हम करें कि इसके बारे में कितनी सारी चर्चाएं और बहुत सारी जो किंवदंतियां हैं या बहुत सारी रहस्यमय बातें हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित बात आती है वो ये आती है कि यहाँ बोने बोने लोग रहते हैं, या 6 महीने के लिए अंधेरा या 6 महीने के लिए यहाँ पे दिन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि छोटे लोगों की बात है तो सीधी सिंपल बात है कि जब हमारे यहाँ पहले संचार के साधन नहीं थे, हम मौखिक रूप से ही किसी बात को अपना आदान प्रदान करते थे। जो भी हमारे संदेश रहते थे, जो भी चीज़ें रहती थी, वो मौखिक रूप से ही दूसरे तक पहुँचती थी। तो पहले जब लोग यहाँ आते थे तो बड़ी मुश्किल से तो यहाँ लोग पहुँच पाते थे, और लेकिन नीचे नहीं जा पाते थे। नीचे की दुनिया वो दूर से ही देखते थे, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं। तो जैसे हम नीचे गहराइयों की ओर देखते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ें आकृति के रूप में दिखाई देती, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे घर दिखते हैं, छोटे छोटे जानवर दिखते हैं, तो छोटे छोटे लोग दिखते हैं। तो एक्चुअली लोग ऐसे दिखते थे, तो कभी वो जाके लोगों ने संदेश दिया होगा कि हमने छोटे छोटे लोग देखे, छोटे छोटे घर देखे, तो वो एक कम्युनिकेशन डिफेक्शन हो गया कि वहाँ पे छोटे छोटे लोग होते हैं। निचाई में होने की वजह से, गहराइयों में होने की वजह से, बहुत सारे पहाड़ों के नीचे और होने से ये जगह में जो सनलाइट है वो कम समय के लिए पहुँचता है। तो जब सनलाइट कम समय के लिए पहुंचता है, इसका मतलब पहाड़ों की जो शेडो है वो ज़्यादातर रहती है। अगर हम बात करें कि पेड़ों की बात, तो चूंकि निचाइयों में अगर ये बसावट है तो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। जब आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि 60-70 फीट बहुत सारे छायादार पेड़ हैं, उनकी भी जो छाया है वो नीचे रहती है। तो वहाँ पर हमेशा अंधेरा नुमा छायादार रहती है। एक्चुअली वो रहता है छाये, जो कि बहुत ज़्यादा गहरी होती है और वो अंधेरे के रूप में दिखती है। जो अभी भी खान पान की जो शैली है वो परंपरागत खान पान की शैली है, जिसमें मक्के की रोटी खाई जाती है, मक्के का पेजा पिया जाता है, कुटकी का भात खाया जाता है, कुटकी का पेजा पिया जाता है, कोदो, कुटकी, मक्का, महुआ से बने हुए पकवान, इस प्रकार के खान पान की यहाँ की शैली है। भारतीय कृषि की जो परंपरागत कृषि रही है वो मानसून आधारित ही रही है। वर्षा काल में वेजिटेशन होता था, और वर्षा काल से लेके फिर धीरे धीरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक उसके क्रॉपिंग
शूट्स आते थे, और उसके बाद ये करीब मार्च अप्रैल तक हमारे कृषि पे काम होता था। फिर धीरे धीरे थोड़ा क्रॉपिंग मेथड चेंज हुआ। तो आज भी सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे परंपरागत कृषि प्रणाली आज भी है, जो कि सदियों से है, जो कि अब इसको बोल सकते हैं कि एंशियंट क्रॉपिंग मेथड भी यहाँ है। तो इस पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारी पारंपरिक कृषि प्रणाली थी वो एक संयुक्त परिवार के रूप में होती थी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ना केवल वो मुख्य फसल ग्रो होती थी, बल्कि वो अपने साथ में, उसके साथ में और भी कई को करती थी। वो एक प्रकार का एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बना के चलती थी, और वो व्यक्ति के जीव जंतुओं के जीवन यापन के लिए, भूख मिटाने के लिए ये सबसे अहम रोल होता था। देखिए, पातालकोट की रसोई को मैं अगर आपको समझा पाऊँ तो एक बात है कि एक भावनात्मक पहल है इस बात को लेकर कि कुछ आवश्यकताएँ थी, कुछ जिम्मेदारियाँ थी, कुछ ऐसा दायित्व था कि आपको हमें, हमारे जो इतिहास है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरागत चीज़ें हैं, उनको किसी तरीके से कैसे संजोया जाए। सुविधाएं हमें धीरे धीरे मिलने लगी तो हमारी परंपरागत चीज़ें निश्चित तौर पे कम हो रही हैं। तो एक माध्यम हमने बनाया कि एक किसी तरीके से खान पान जो है सबसे बड़ी संस्कृति का एक माध्यम होता है। हमारी हर चीज़ को समझने के लिए एक इंटरेक्शन का, खान पान के माध्यम से अगर हम इंटरेक्ट करते हैं तो हम चीज़ों को, वैल्यू को समझ पाते हैं। तो हमने वो माध्यम चुना पातालकोट की रसोई। पातालकोट की रसोई जो है, यहाँ पे जितने भी यहाँ के संसाधन हैं उन पे आधारित जो खान पान शैली है उसको बचाने का काम करती है, साथ में एक प्रमोशन का काम करती है, और साथ में इसमें चूँकि मैं विद्यार्थी रहा हूँ अर्थशास्त्र का, तो मैंने एक कोशिश और ये की कि इसको अगर किसी तरीके से कमर्शियली यूज़ किया जाए तो इसकी डिमांड बनेगी, और डिमांड बनेगी तो निश्चित तौर पे चीज़ सस्टेन करेगी। तो एक छोटी सी प्रयास किया हम लोगों ने, लोगों को धीरे धीरे अवेयर किया, और पातालकोट की रसोई यहाँ के स्थानीय खान पान के साथ में हमने शुरू करी। पातालकोट सबसे इम्पोर्टेंट, आपने बहुत अच्छी बात बोली, ये रसोई मैं पवन की रसोई के नाम से भी चुन सकता था, या और भी बहुत सारी बातों से चुन सकता था, या मेरे माताजी के साथ हम लोगों ने संयुक्त प्रयास से इस चीज़ को शुरू किया था, उनका बहुत बड़ा नाम है तो उनके नाम से भी हम शुरू कर सकते थे। लेकिन पातालकोट की रसोई शुरू करने का ज़्यादा हम हमारे क्षेत्र की संस्कृति को सामने लेके आए, हमारे क्षेत्र की जो विरासतें हैं, जो यहाँ की परंपराएं हैं, जो यहाँ का खान पान का जो रिच कल्चर रहा है उसको दुनिया के सामने लाना चाहिए, और ना केवल मेरे माध्यम से। ऐसे कई पवन श्रीवास्तव को वहाँ पे आना चाहिए, और कई लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। अनबाउंड इंडिया के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, पातालकोट की रसोई को अलग अलग दृष्टिकोण से सभी लोगों ने देखा है, लेकिन अनबाउंड इंडिया की जो एक टैगलाइन है कि भारत मेरी नज़र से, तो अनबाउंड इंडिया की नज़र से जो पातालकोट की रसोई का दर्शन लोगों को हम कराना चाहते हैं। भारत देश ने इसका नाम श्री अन्न रखा हुआ है, तो अब ऐसे में जब हम शुरुआती लोग हैं तो हम अपनी सहभागिता कैसे छोड़ सकते हैं। तो मिलिट्स ईयर 20th ईयर के लिए मैंने जो अपनी पातालकोट की रसोई में, हमारी पूरी टीम ने मतलब अपना टारगेट रखा हुआ है कि हम वर्ष के अंत तक 10,000 लोगों तक मिलिट्स को लेकर संदेश पहुंचाएंगे। देखिए, मिलिट्स ईयर के बाद आज आपने बताई अच्छी बोली है कि विचार आज आया है, और हमारी माताजी ने इसका चिंतन बहुत पहले से किया था, तो चूंकि वो फाउंडर है तो इसके बारे में बहुत अच्छे से वो बता पाएंगी। तो चलिए अपन माताजी से ही चुनते हैं कि उनके क्या विचार थे पातालकोट की रसोई को शुरू करने के लिए। मैं जब से यहाँ आई तब से मेरे को अधिकांशतः गांव में काम करने का मौका मिला, महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में। तो रहते रहते जब सर्विस पूरी हुई तब तक भी मैं गांव से ही संबंध रहा मेरा, और शायद एक मेरा लगाव कुछ गांव से ज़्यादा ही हो गया था। और वहां मैंने देखा कि यहां की जो महिलाएं हैं और हम लोग जो शहर वाले हैं, इनमें बहुत सी चीज़ों में ये तो कुछ है भी नहीं, ना घी खाती हैं, ना दूध खाती हैं, ना किसी प्रकार, और मेहनती हैं और इतनी स्वस्थ रहती हैं। और हम लोग देखो तो थोड़े दिन में पैरों में दर्द है, तो फिर कमर में दर्द है, इस टाइप से। तो मैंने ये सोचा कि शायद हो सकता है खान पान में वो हो, तो इनकी चीज़ों को हम लोग भी खा के देखें तो शायद कुछ ना कुछ तो उससे अंतर पड़ेगा करके। सन 2010 के बाद में ये एक ग्रामीण भोजन का निर्णय लिया, तो उसमें फिर ये
अपने पवन श्रीवास्तव ने ही समझो कहना चाहिए कि वो एक पातालकोट की रसोई उसको नाम दे दिया और उस नाम से हम लोग इस काम को धीरे धीरे शुरू किए। तो पहले तो लोग हंसते थे कि अरे ये क्या है, ऐसा तो कुछ है नहीं है, ये तो कुछ दुनिया खाता है इस प्रकार से। पर धीरे धीरे उसमें हमारे एक कुटकी को हम गांव में ले जाते थे बना के, वहाँ लोग देखते थे, वहाँ की कुटकी हमारी पूरी वापस आ जाती थी। तो कभी कभी हम लोगों ने सोचा भी कि नहीं अब इसको नहीं भेजेंगे बना के, उसके बदले चावल ही बनाएंगे, लेकिन ये पवन ने कहा नहीं अपन अपना जो भी है उसको शुरू रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो ग्रामीण चीज़ें हैं, ग्रामीण अंचल में जो भी चीज़ मिलती है उसके उससे ही बना हुआ भोजन, तो उसको एक पातालकोट की रसोई नाम दे दिया कि इस प्रकार से यहाँ जो भी हैं गांव में ये है। अपने देश की जो भी है उसको हम क्यों मिटने दें। कई जगह ऐसा उनका होटल का खाना खा रहे हैं, ये कई चीज़ें ऐसी हैं, मैं तो कभी उनको मैगी फेगी जो भी हैं तो ये क्यों खाएं, हम लोग अपनी चीज़ों क्यों दूर कर रहे हैं। और हमारे देश में यही हुआ कि हमने अपनी चीज़ों को छोड़ दिया है और दूसरे की चीज़ें अपनाई हैं। तो यही सोचा कि नहीं, यदि अपनी चीज़ें अपने देश में अपना के अपन लोग देखेंगे तो हो सकता है कि आगे की आने वाली पीढ़ी भी उसको नहीं भूलेगी। पातालकोट की रसोई में हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं उनको हमेशा हम हर चीज़ ताज़ी खिलाएं, और उसके लिए हम सुबह से प्रक्रिया चालू करते हैं। तो हमारे जो मीठे पकवान बनते हैं, खीर बनती है कोदो की और महुए की पूड़ी के साथ, जो रबड़ी बनती है दूध की, उसके लिए हम लोग यहाँ गाँव में आते हैं, इनसे ताज़ा दूध अपने आँखों के सामने निकलवाते हैं और फिर हम इसको जाके वो सब चीज़ें बनाते हैं, ताकि हमारे जो गेस्ट हैं उनको हर चीज़ फ्रेश और जिस उद्देश्य से हमने काम किया है वो हम उनको दे सकें। पातालकोट की रसोई में उपयोग किया जाने वाला ये घी इनके घर से हम लोग बनवाते हैं और ताज़ा ताज़ा घी का उपयोग करते हैं, जिस रोटियों में लगाने के लिए और पकवानों को बनाने के लिए जो भी घी का उपयोग किया जाता है हम लोग इस प्रकार का, ये शुद्ध घी। तो आप ये बताइए कि आपके हाथ में क्या है और कहाँ से ये आता है और क्या है ये, इसका इस्तेमाल क्या करेंगे? ये मेरे हाथ में जो है ये यहाँ पर प्राप्त होने वाली प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये फसल जो यहाँ पैदा होती है उनमें से हैं। ये कुटकी है जो यहाँ की पारंपरिक फसल है, ये इसके बरबटी की दाल है, इसके दाल और बड़े वगैरह बनाए जाते हैं। ये कोदो हैं, कोदो का भी भात बनाते हैं और पेजा भी बनाते हैं। ये घी है, ये यहाँ का जो शुद्ध घी है जो हम रोटियों में लगा के उपयोग करते हैं। ये महुआ है, इससे हम मीठे व्यंजन बनाते हैं। ये चने की भाजी है, यहाँ की जो भाजियाँ हैं इनको हम ड्राई करके रखते हैं और इसके बाद में जब बिना मौसम के भी इसका हम उपयोग करते हैं। ये समा है, ये भी हमारा मिलेट्स में आता है, ये इससे हम खीर बनाते हैं और पुलाव भी बनाते हैं और पेजा भी बनाते हैं, ये चीज़ें बनती हैं। और ये हमारी मक्का की रोटी बनाते हैं, उसका पेजा भी बनाते हैं और दलिया के रूप में भी उपयोग करते हैं। और ये इसके बाद में हम लोगों के यहाँ जो सब्जी नहीं रहती है, जैसे बरसात के समय में सब्जियों की दिक्कत रहती है, उस समय हम ये बड़ी बना के रखते हैं। ये है उड़द की दाल, पेठा और उसमें थोड़ा सा मसाले डाल के और वो सुखा के रखते हैं उसको गर्मी में, और इसकी सब्जी बरसात में बनाते हैं। अब आप क्या करेंगे आगे? अब ये जो सामग्री है इससे हम आज का जो भोजन बन रहा है वो बनाएंगे और उसमें ये सारी सामग्री उपयोग करेंगे। क्या कर रही हैं अभी? कुटकी धुल रही हूँ, साफ कर रही हूँ उसको, इसको रेत निकाल रही हूँ, साफ कर रही हूँ। बारीकी है ना तो इसलिए टाइम लगती है इसमें साफ करने। बबलू ये क्या कर रहे हो आप? सर ये दूध की रबड़ी बना रहे हैं जो हमारे पातालकोट की स्वीट डिश है। जैसे कि आपने देखा था कि सुबह हमने ताज़ा दूध निकाल के लाए थे, उससे यह स्वीट डिश तैयार हो रही रबड़ी। इसको लगातार चलाना पड़ता है
ये जब तैयार हो जाएगी तब इसको मुंगे की पूड़ी के साथ स्वीट के रूप में हमारे मेहमान गेस्ट को परोसेंगे। अब ये देखिए, ये मेरे हाथों में है एक बहुत ही अच्छा प्लांट। ये है हमारे देसी टमाटर, भेजरा इसको यहाँ पे बोला जाता है। मक्के के खेत में और घर की बाड़ी में, ये किचन गार्डन में होता है। और इसका जो पातालकोट की रसोई की सबसे मुख्य जो चीज़ है, मक्के की रोटी के साथ में खाई जाने वाली चटनी, वो इसी की बनती है। और भी खटाई के लिए इसी टमाटर का उपयोग किया जाता है। इसका जो टेस्ट है इनक्रेडिबल, इसका कोई मैच ही नहीं है। और इसको हमारे स्थानीय भाषा में भेजरा बोलते हैं। अब मैं इस खेत में संजय के साथ साथ थोड़े थोड़े ये भेजरे को तोड़ के जाऊँगा, जो पकते जाने हैं, और उसकी हम आपको टमाटर की चटनी बना के खिलाएंगे। और मुझे विश्वास रहता है हमेशा कि जो गेस्ट यहाँ आते हैं उन्होंने इसका ऐसा टेस्ट कभी कहीं नहीं खाया है टमाटर का। हाँ कमली, इस समय आप क्या बना रही हैं? ये पातालकोट की रसोई के लिए जो थाली में लगती है चटनी के लिए, ये पीस रही हूँ मैं। ये टमाटर है और अदरक, मिर्ची, लहसुन, जीरे, वो थाली में परोसने के लिए चटनी बनाते हैं पातालकोट की, उसके लिए पीस मसाला बना रहे हैं, तैयार कर रही हूँ। अब देखिए, अब आज हम अभी यहाँ खड़े हैं संजय के खेत में। संजय बहुत ही अच्छे तरीके से, इसने बहुत सारे वेजिटेशन किया हुआ है। इसके घर की छत के ऊपर एक बहुत अच्छी बेला लगी है, लौकी की बेला, ये देसी की लौकी की बेला। इसकी सब्जी और इसके बनने वाले और भी पकवान पातालकोट की रसोई के लिए होंगे। आज हम ये लौकी लेके जाएंगे और अब ये लौकी एक सब्जी के रूप में पातालकोट की रसोई की थाली में बहुत जल्दी आपके सामने सर्व होगी। तो संजय, हमको ये आप एक लौकी काट के दीजिए। जी, अभी आपका ये क्या चल रहा है कार्यक्रम में? अभी हम ये अपने पातालकोट की रसोई का खाना जो बन रहा है उसमें जो सब्जी बनाते हैं जी। इस समय भाजी वगैरह का सीजन नहीं है, मतलब भाजी आ रही है लेकिन अच्छी नहीं है, तो हम इस समय बड़ी की सब्जी उपयोग करते हैं। अच्छा, अच्छा। ये गर्मी में जो सुखा के बड़ी बना के रखते हैं उसकी सब्जी बनाते हैं। तो ये सब्जी मसाले बनाने का काम निधि का है, क्योंकि ये मसाले का काम इन्हीं को सौंपा है। अच्छा, हाँ। अब ये बड़ी की सब्जी बना रही हैं और ये कमली बाई जो हैं वो मक्का की रोटी बनाती हैं। उनका मक्का की रोटी का हमेशा बनाने का काम कमली बाई का। अब ये बड़ी की सब्जी है, इसको हम पहले फ्राई करेंगे और इसके बाद में इसको कम तेल कम मसाले में तैयार करेंगे। हल्दी नहीं डली होगी इसमें। अभी हम यहाँ पर एक खेत में खड़े हुए हैं और ये जो खेत है ये मक्के का खेत है।
और सबसे विशेष बात, पातालकोट की रसोई की थालियों में जो आप व्यंजन खाते हैं या जो व्यंजन हम परोसते हैं, उन व्यंजनों में जितनी भी चीज़ें बनती हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें इस मक्के के साथ में उगती हैं। मक्का एक बड़ा विशेष यहाँ का जो फसल है, और इसकी इंटरक्रॉपिंग में जो यहाँ का जो ट्रेडिशनल मक्का होता है जिसको हम पारंपरिक बीज के माध्यम से बोते हैं, उसमें इंटरक्रॉपिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये आप देखिए मक्के की ये जो प्लांट है, इस प्लांट में ये एक बेला ग्रो कर गई हुई है, तो ये जो बेले के साथ में ये जो फल दिख रहे हैं ये बरबटी के फल हैं। और इसी तरीके से बरबटी की हम लोग यहाँ पे कुटकी के भात के साथ दाल खाते हैं, वो बरबटी इन खेतों में होती है। साथ में मक्के के और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम जैसे जैसे ये मक्के का खेत में अंदर जाते जाएंगे हमको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। हम कचरिया खाते हैं वो कचरिया इनमें होती है, ककड़ी खाते हैं वो ककड़ी इनमें होती है, और रजगिरा होता है उसके साथ कुछ भाजियाँ भी होती हैं। और अभी आप देख रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मक्के की रोटी जो हम खाते हैं, वो इस ये मक्का जो है ये देसी मक्का कहलाता है। इसका जो बीज है न जाने कई सदियों से परंपरागत तरीके से घर में रखा जाता है सहज के, और इसको बोया जाता है और आज भी ये विद्यमान है। ये बड़ी विशेष हमारे लिए बात है कि मक्का हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मक्का न केवल अपने आप को ग्रो करता है बल्कि उसके साथ 10 से 15 प्रकार की चीज़ों को करता है। एक संयुक्त परिवार को हम इस मक्के के खेत में देख सकते हैं। मेरे हाथ में है ये ककड़ी जो इस सीजन में होती है बरसात के बाद इन खेतों में, और ये एकदम ताज़ा तरीन ककड़ी है, सीधा खेत से टूटने के बाद में आपकी थाली में परोसी जाएगी। ये देखिए अब मेरे हाथ में जो ये बेल में निकला हुआ फल है, ये हमारे तामिया पातालकोट में ये होता है एक, और ये बेला के रूप में निकलता है, कांदे जैसा दिखता है, इसको अंगीठा कांदा बोलते हैं। और ठंड के दिनों में इसका प्रयोग किया जाता है, ख़ासतौर पर इसका भरता बनाया जाता है, और उपवास में भी इसका फलहार बना के खाया जाता है। पातालकोट क्षेत्र में हम लोग हैं, और मेरे हाथ में जो आप ये प्लांट देख रहे हैं ये कुटकी का प्लांट है, और जो मेरे पीछे लहलहाता खेत दिख रहा है ये कुटकी की फसल यहाँ पे हुई है, और ये फसल लगभग पकने पे है, कुछ ही दिनों में पक के तैयार हो जाएगी और ये दाने के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। पातालकोट क्षेत्र में की मुख्य खान पान में कुटकी का प्रयोग किया जाता है, और पातालकोट की रसोई की सबसे आकर्षक जो डिश होती है वो कुटकी का भात होता है, उसी की ये तैयारी के लिए हम बिल्कुल तैयार है ये फसल। पातालकोट की रसोई हमने खेत में भी देखा किस किस तरीके से चीज़ें होती हैं, और हमने चूल्हे में तमाम चीज़ों को पकते हुए भी देखा। वो सारे के सारे व्यंजन जो है अभी हमारे सामने आ गए हैं। इसमें जो है कड़ी भी है, और बड़ी की जो सब्जी है ये है, हरा चना जो होता है, हरे चने की जो सब्जी होती है वो ये है, और ये क्या चीज़ है, ये कुटकी है भात के रूप में, भात के रूप चावल का जो सब्स्टिट्यूट है, वो लोकल जो फूड है वो कुटकी है, उसके चावल के तरीके से हम खाएंगे। और मीठे में हमारे पास जो है वो कद्दू और समा की खीर है, ठीक है। और जो है जो खेत में जो जो ककड़ी जो थी ये हमारे सामने है इसमें। इसके अलावा जो चटनी हमने जो देखी थी, जो छोटे वाले जो टमाटर होते हैं उसके साथ किस तरीके से चटनी बनाई गई थी, ये हमारे सामने है। तो अब इंतजार करना बड़ा मुश्किल है, और एक बाइट लेके देखा जाए कि इसका टेस्ट किस तरीके से है। तो
आप भी लीजिए। जी बिल्कुल जी 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 आप भी लीजिए। आज बड़ी मेहनत हुई है तो भूख बहुत तेज से लगी। भूख बहुत तेज से लगी। और जिनके घर में हम बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए, वो बोल रहे हैं कि आज वो नहीं खाना खाएंगे, लेकिन दादा ऐसा नहीं है, आप इनके लिए भी कुछ थाली लेके आइए, हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। जब हम पतालकोट की रसोई में घरों में बैठते हैं, जो मैंने पहला बाइट लिया है उसका जो टेस्ट है अनबिलीवेबल है, उसका कोई सानी नहीं है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैं ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है कि जनजातीय खाना, जनजातीय उसको बनाने के तरीके और उसी परिवेश में बैठ के खाने का जो एक अंदाज है, वही अंदाज पवन श्रीवास्तव अपने जो लोग हैं, जो हमारे जो लोग हैं, जो इनके जो गेस्ट हैं, जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं, उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसको वापस अपने रूट्स में ले जाने की इनका प्रयत्न है और उस प्रयत्न में ये पातालकोट की जो रसोई है वो एक कैटलिस्ट का काम कर रही है, लोगों के बीच में लगातार लोकप्रिय हो रही है। अपनी संस्कृति और खासकर आदिम संस्कृति है, उसको कैसे बचाया जाए और उसको कैसे संरक्षित किया जाए, मिलेट्स को हम अपने थाली के अंदर कैसे समाहित करें, ये उसका उत्तम उदाहरण है। तो खाने का समय है और इस समय खाना खाया जाए। अगली किसी स्टोरी में, अगले किसी विशेष जगह पर विशेष व्यक्ति के साथ फिर से मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से। आज का एक्सपीरियंस तो ऑसम था, ऑसम क्या बोलो, आज का आनंद हो गया। ये ट्राइब्सकेप्स के पवन भाई जो आज अरेंजमेंट किया है पातालकोट की रसोई, बहुत उत्तम खाना।